अगर बारिश हो जाता है तो उसका कुछ इंतजाम है क्या? देखिए बारिश का तो भाई क्या है कि इंद्र भगवान कितना मेहरबान रहेंगे वो तो माता जानती है, मैं नहीं जानता। ये कुछ भी होगा कोई कष्ट उष्ट हम लोग हम सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं, अपना बना के हम साधन करेंगे। डस्टिंग नहीं पंडाल में कुछ ऐसा पड़ेगा या कुछ पंडाल वाटर प्रूफ टाइप का कुछ है ऐसा? नहीं वाटर प्रूफ आता है पंडाल तो, बाकी मुड़ा ना पाया गया है वो पूरा वाटर प्रूफ नहीं रहता है, वो आप जा भी नहीं सकते हैं, वो मॉडल खाली साइड से है सामने से खाला। कल्ला पूजा समिति द्वारा ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, आप देख रहे होंगे जिस तरह ये आज झारखंड का सबसे बड़ा पूजा का आयोजन हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। श्री राम जी अयोध्या की जो ये मंदिर का स्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पे, कल इसका विधिवत उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और जो यहाँ सुविधाएं हैं और जो हम यहाँ लोगों को, झारखंड के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं, जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है उसका स्वरूप, उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी कि क्या सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, किस तरह लोग अपने आप को यहाँ पे ध्यान पे रखें, अपने बच्चों को जो लाएं, किस तरह हम चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें और आने वाले जो समय पूजा में कि हम अच्छी तरह इस उत्सव को मनाएं, ना कि किसी को कोई असुविधा हो। जो सिक्योरिटी मेजर्स, फायर, मेडिकल के स्टॉल्स, एक काफ़ी आप देखेंगे कि प्रॉपरली स्टैंडर्ड वे में पूजा कमेटी द्वारा हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। देखिए आपके जस्ट बाएं तरफ ये श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार है, जस्ट आप देख रहे होंगे कि जस्ट रिप्लिका हमने क्रिएट किया है श्री राम मंदिर का। आपको लगेगा कि आप अयोध्या में आ गए हैं, ना कि आप रांची में हैं। और सेम रिप्लिका जो वहाँ पे श्री राम लल्ला जी की मूर्ति है, सेम साइज, सेम लुक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माँ दुर्गा का दरबार भी सजेगा और आप जब अंदर जाएंगे जो इंटीरियर्स भी हमने बनाए हैं वो भी आपको लगेगा कि आप श्री राम जी के मंदिर अयोध्या में आपका प्रस्थान हुआ है। और श्री हनुमान जी के 3D मूर्ति लगाई जा रही है 30 फुट ऊंची, जो आप कहीं भी से देखेंगे 4D आप बोल लीजिए, बट आप जहाँ से भी देखेंगे तो आपको वो एक ही स्वरूप हनुमान जी का नजर आएगा। सारे पूरे एरियाज को सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे प्राइवेट भी रहेंगे, प्रशासन द्वारा भी हमें मुहैया कराया जा रहा है। बैरिकेडिंग के प्रॉपर इंतजाम है, जेंट्स एंड लेडीज के प्रॉपर एंट्री एग्जिट रूट्स हैं। इवन आप जो इस एरिना में घुसेंगे वहाँ भी एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है, 2 इमरजेंसी गेट्स अलग से लगाए गए हैं। टोटल एरिया सर्वेलेंस में है, सिक्योरिटी कैमराज लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड के साथ फायर ABC DCP एक्सटिंग्विशर्स के इंस्टॉलेशन हर जगह किए जा रहे हैं, और मेडिकल के अलग स्टॉल्स हैं विद आप फर्स्ट एड फैसिलिटीज, साथ में एम्बुलेंस एंड स्ट्रेचर और जो भी ऑक्सीजन की व्यवस्था, जो भी फर्स्ट एड मुहैया हम करा सके वो पारस हॉस्पिटल द्वारा यहाँ पे लगाया जा रहा है। रांची के कुछ प्रसिद्ध जो खान पान के यहाँ पे आउटलेट्स हैं, बटर है, भोला लिट्टी है, पालकी कैटरर्स है, तो उनके द्वारा यहाँ पे बेवरेज पार्टनर हमारा उसाम और पेप्सी है, और भी हैंडीक्राफ्ट के, कुछ बैंक के और कुछ लोकल जो हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हम यहाँ स्टॉल लगाए जा रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बट अब ऐसी कोई बात नहीं है, आदेश हमें प्रशासन द्वारा मिल चुका है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और मैं अयोध्या दर्शन करने गया था तो यही समझिए कि मुझे राम जी के दर्शन के साथ प्रेरणा मिली कि मुझे रांची में भी अपना दरबार बना के लाओ माता रानी के साथ। मैं माता रानी का भक्त हूँ इसीलिए मैंने साथ में तो आप आज इनको लाया है। खूबियां तो अनेक है, हनुमान जी के दर्शन है, राम जी के दर्शन है, दुर्गा जी के दर्शन है, एक मिनट माता रानी का दर्शन आप कर रहे हैं, राम लल्ला का दर्शन करेंगे, 28 फीट बजरंग बली की मूर्ति का दर्शन करेंगे 4D, वो चारों तरफ से एक सी रहेगी। इसके अलावा मेला है, खान पान है, सब तरह का साधन है,
जो भी लोग आएंगे परिवार के साथ उनके लिए सब पैकेज है। क्या लागत लगा है? लागत 1 करोड़। और जो मूर्ति बन रहा है उसका क्या लागत? सब उसमें इंक्लूड है। मूर्ति की विशेषता तो आपको कल हम 11 बजे दर्शन करा देंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सारी मूर्तियां सोने की बनी है और पूरा उनका श्रृंगार सोने का, यही सबसे बड़ी खासियत। दर्शनार्थियों को तो यही है संदेश, आप 900 किलोमीटर न जाएं, हमारे यहाँ के रामलला का दर्शन करें। जो चले गए हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि आके देख लें कि हमने जो चीज़ बनाया है, हमने पूरी कोशिश की है, उनको वो चीज़ दिखा रहे हैं।